साई आश्रम में 1200 नॉन एसी रूम में जिसका 250 रुपये चार्ज है। हमें एसी रूम भी यहाँ पे सस्ता ही मिलता है। दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर है 22148। चाय 2 रुपया, कॉफ़ी 3 रुपया। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो बहुत दिन बाद अभी हम निकले घूमने, हर्ष का हो गया छुट्टी। तो गाइस अभी हम है बोरीवली स्टेशन पे, अभी जाएंगे फिर हम वहाँ से शिरडी। तो गाइस बने रहे वीडियो में, हमारा ट्रैवल का वीडियो प्लस वहाँ होटल टाइमिंग चार्जेस वगैरह शेयर करेंगे। अभी हमारी बस आ चुकी है, फिर बस में चढ़ते हैं। अभी हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये हमें बस मिल चुकी है, तो यहाँ पे डबल स्लीपर और ये सिंगल स्लीपर, तो फुल एसी बस मिली है हमें। और ये हर्ष यहाँ पे आराम फरमा रहा है। तो गाइस अभी हमने क्या हो गया कि आज ही हर्ष के पेपर ख़त्म हुए थे और आज ही हमने एंड मोमेंट पे यहाँ पे आ गए बोरीवली, और बोरीवली से टिकट बुक किया। अभी हमने लिया यहाँ पे डीजल ब्रेक, तो ये हमारी ट्रैवल्स स्वामी ट्रैवल्स, तो यहाँ पे हमारा वेट कर रहे निखिल भाई। तो हम अभी थोड़ा शूट करने के लिए नीचे उतरे थे और अभी ड्राइवर दादा भी आ गए, तो अभी यहाँ से चलते। और सुबह में 6 बजे का टाइम दिया हुआ है ड्राइवर दादा ने शिरडी पहुँचने का। तो गाइज अभी बहुत ही अच्छी नींद लगी और डायरेक्ट हम शिरडी पहुंच चुके हैं। और होटल पे तो मैंने कुछ शूटिंग नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ खाना खाया ही नहीं था पूरे रास्ते भर। तो अभी हम आए साई आश्रम भक्त निवास। साई आश्रम में 1200 नॉन एसी रूम है जिसका 250 रुपये चार्ज है, और 300 एसी रूम है जिसका 600 रुपये चार्जेस है 24 घंटों के लिए। आप रूम बुकिंग के लिए आते हैं तो आप जितने भी मेंबर आए सभी का आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा, तो आप याद से लेके आइए। और वो फॉर्म भरना है वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ। अभी हमें ये फॉर्म भरना है और आधार कार्ड की जेरोक्स के साथ हमें यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। और फॉर्म सबमिट कर रहे, लेकिन इसके पहले हमें यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है साईं बाबा का, तो पहले दर्शन करते हैं। रूम बुकिंग हो चुकी है हमारी 3 पर्सन के लिए, और अभी यहाँ से ये बिल्डिंग में जाना है। इसमें हमें 3 पर्सन के लिए 250 चार्ज हुआ है 24 आवर्स के लिए। देखिए ये बिल्डिंग है, यहाँ पे हमें रूम मिला है। और अभी यहाँ पे रात से कुछ खाया नहीं है, तो पहले चाय लेते हैं और थोड़ा नाश्ता करते हैं। घर से सब पराठा बना के लेके आए। चाय कॉफ़ी, चाय 2 रुपया, कॉफ़ी 3 रुपया, दूध 3 रुपया, मिनरल वाटर 1 लीटर 10 रुपया। तो अभी हमने यहाँ पे 4 चाय 1 कॉफ़ी, तो चलिए पहले लेते हैं और चाय पीते हैं। तो हमारी ये 2 चाय और पराठा, अभी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे ही टॉयलेट है, अभी अच्छे से दबा के खाएंगे, रात के भूखे हैं। 4 कप चाय पीने के बाद पराठा और चटनी घर से लेके आए थे, तो पहले दबाते, बहुत जोरों की भूख लगी है। और फिर गाइस बने रहे वीडियो में और आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। सुबह सुबह का बहुत ही बेहतरीन मौसम यहाँ पे है, और देखिए यहाँ पेड़ के पास बहुत सारी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रहा है। और अभी हमें जाना है J15, तो यहाँ पे एंट्री करना है। हमारा ग्राउंड फ्लोर में ही रूम है, और यहाँ पे साईं बाबा की लाइव दर्शन आरती शुरू है जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए पहले फटाफट अभी रूम में जाके फ्रेश होते। तो गाइस अभी यहाँ पे आरती का पूरा टाइमिंग है, और यहाँ से हमारा रूम इस तरफ ग्राउंड फ्लोर में ही है। और यहाँ पे हर्ष लॉक खोल रहा है। हे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये है हमारा सिंपल रूम, 3 बेड 2 चेयर, और यहाँ पे है बाथरूम टॉयलेट, वो भी एकदम क्लीन है। तो बड़े सेट यहाँ पे बैठे हैं चेयर में, और देखिए अभी ये 3 बेड तो 250 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सस्ता है। हमें एसी रूम भी यहाँ पे सस्ता ही मिलता है। तो अभी हम अभी आ रहे थे तो ऐसा हुआ कि
यहाँ के अभी देखिए सभी को तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ रिक्शा वाले देखिए ऐसे भी है कि बोलेंगे चलो हम आपको मंदिर के पास लेके चलते हैं, तो वहाँ पे फिर 1000 में भी सिंपल नॉन एसी रूम रहते हैं, तो इससे अच्छा ये 250 में नॉन एसी मुझे बेटर लगा गाइस। अभी नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं और रूम में गर्म पानी ठंडा पानी दोनों था, बहुत ही अच्छे से फ्रेश हो गए और अभी जा रहे दर्शन करने। तो यहाँ से अभी बस है जो हमें मंदिर छोड़ेगी और वो भी बिल्कुल फ्री, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। और भी जो भक्त निवास है वहाँ जाएंगे, क्या है रूम के प्राइस, एसी नॉन एसी, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्या करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए बस आ चुकी है और अभी इसमें सवार होते हैं और दर्शन के लिए चलते हैं। मैं यहाँ मंदिर का जो संस्था है वहाँ ही मोबाइल और चप्पल लॉकर रख के दर्शन को जाते हैं। तो अभी हमने दर्शन कर लिए और अभी हम जा रहे प्रसादालय प्रसाद लेने, और प्रसादालय का जो टाइमिंग हमें बताया गया सुबह 9:30 से लेकर 9:30 तक। तो यहाँ पे साई सन आर्ट म्यूजियम, लेकिन अभी हम पहले चल रहे प्रसादालय। तो यहाँ पे प्रसादालय में कूपन लेना है और फिर यहाँ पे एंट्री होती है तभी कूपन उनको दे देना है, लेकिन वो भी बिल्कुल फ्री है। प्रसाद आ चुका है, अभी हम शुरू करते हैं। तो मैं जा रहता हूँ वहाँ भी साई बाबा का मंदिर है और एरिया का नाम है साई नगर और ये है साई नगर शिरडी, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सुन के साई नगर। तो अभी बजे रात के 4:30 और बहुत जोरों की भूख लगी है और अभी हम जा रहे हैं प्रसादालय प्रसाद लेने। ओम साई राम। तो प्रसाद आ चुका है, प्रसाद ग्रहण करते हैं और सुबह के मुकाबले अभी रश तो बहुत कम है। आश्रम तक अभी बस है उनकी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अभी बस की वेट कर रहे हैं, फिर रूम पे जाके आराम करेंगे और मॉर्निंग में हमारी ट्रेन है, तो ये वीडियो कंटिन्यू रखेंगे और मॉर्निंग में ट्रेन जर्नी भी दिखाएंगे, तो बने रहेगा इस वीडियो में। द्वारावती भक्त निवास में 220 नॉन एसी रूम है जिसका 500 रुपीज़ चार्जेस है और 80 एसी रूम है जिसका 900 रुपीज़ चार्जेस है 24 आवर्स के लिए। साई बाबा भक्त निवास में 500 नॉन एसी रूम है जिसके 200 रुपीज़ चार्जेस है और एक ही एसी रूम है और 11 बड़े हॉल हैं और 25 डोरमेट्री रूम है। तो देखिए ये भी पूरा बड़ा सा हॉल है, जब भी सीजन में बहुत गर्दी होती है तभी यहाँ पे विश्राम करने के लिए भक्तजनों के लिए सुविधा की गई है और ऊपर पूरा शेड है, फैन वगैरह भी सब लगाया हुआ है। हम पहुँच चुके हैं रिक्शा करके साई नगर शिरडी रेलवे स्टेशन और अभी हमारी ट्रेन भी आ चुकी है और यहाँ से जो हमारा जो आश्रम है वहाँ से रिक्शा है 100 रुपीज़ और आप अगर मनसाई मंदिर से आते हैं शेयरिंग तो 20 रुपीज़ है, लेकिन अभी मॉर्निंग में शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो और मंदिर से 2 या 2.5 किलोमीटर है और जो हमारे आश्रम है वहाँ से 4.5 किलोमीटर है, तो आपको रिक्शा का 100 रुपीज़ होगा। और अभी हम स्टेशन पे आए, हमारी ट्रेन तो आ चुकी है दादर शिरडी एक्सप्रेस और अभी हमें ढूंढना है S3। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है साईनगर शिरडी से दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन का नंबर है 22148 और मैं अभी लास्ट में आया हूँ और यहाँ पे 3 जनरल कोच है, तो 1, 2, 3 जनरल कोच, फिर आ रहा है AC कोच और फिर S1, S2 जो हमारा रिजर्वेशन वाला कोच है वो। तो अभी हमने एक पैसेंजर से बात की, सेकंड AC 950 रुपीज़। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे इंजन है, यहाँ पे है लेडीज़ डब्बा और फिर उसके बाद यहाँ पे है दिव्यांग कोच, फिर उसके बाद और 2 कोच जनरल क्लास, यानी कि 3 पीछे 2 आगे जनरल क्लास है कोच, तो बहुत ही अच्छी बात है। जनरल क्लास भी 5 डिब्बे दिए हुए हैं क्योंकि मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ।
तो मेरी जो भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा। तो ये है हमारी S3 स्लीपर कोच और हर्ष की फेवरेट इमरजेंसी विंडो हर्ष को मिल चुकी है। तो ट्रेन तो थोड़ी देर पहले ही आ गई थी लेकिन गेट खुला नहीं था, तो हर्ष कह रहा था मुझे इमरजेंसी विंडो मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो हर्ष की फेवरेट इमरजेंसी विंडो मिल चुकी है और हर्ष अपनी सीट पे बैठ चुका है। तो चले गए अभी जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो अभी 2 मिनट का होल्ड था अभी इगतपुरी में और अभी हमारी ट्रेन यहाँ इगतपुरी से निकल चुकी है। तो अभी हम उतर चुके हैं दादर स्टेशन और परफेक्ट टाइम नहीं 10 मिनट जल्दी उतरे हैं। तो बहुत ही अच्छा मज़ा आया और मैं तो रेकमेंड करना चाहूँगा ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आया, ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ इन बस के मुकाबले।